पांच लाख आदमी हैं जिनको वैक्सीन लगी है इंडिया में चार करोड़ को लग चुकी है तीन ही नहीं पड़ा तो फिर हमें क्या जरूरत है कोरोना की वैक्सीन लगवाने का और हम नहीं लगवाएंगे डॉक्टर साहब इमरान खान साहब कोविड कैसे हो सकता है इतनी ज्यादा वर्जिश इतनी एहतियात लोगों से ना मिलना लोगों से हाथ ना मिलाना सब कुछ के बावजूद वैक्सीन ले ली इमरान खान साहब को कोविड पॉजिटिव हेलो फ्रेंड्स जय हिंद हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों कल पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की कोविड नाइन्टीन की रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई है इससे दो दिन पहले इमरान खान ने चाइनीज वैक्सीन लगवाई थी अब पाकिस्तानी मीडिया में ये चर्चा बड़े जोरों शोरों से हो रही है कि पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर को चाइनीज वैक्सीन लगवाते ही कोविड हो गया क्या ये चाइनीज वैक्सीन लगवानी चाहिए या नहीं हारून रशीद ने आज की वीडियो में ये बताया है कि भारत में तो भारत की बनी वैक्सीन लग रही है और भारत दुनिया में सबसे ज्यादा अपने लोगों को कोविड वैक्सीन लगा चुका है जो कि बहुत ज्यादा इफेक्टिव है साथ ही पाकिस्तानी मीडिया अपने देश में आई चाइनीज वैक्सीन से घबराया बैठा है और इस पर अपनी चिंता जता रहा है आज की वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया ने और क्या कहा तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो की वीडियो तरफ चलते हैं। so खबर सबसे बड़ी ये है कि मुल्क के पाकिस्तान के वजी इमरान खान साहब का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया है उन्होंने खुद को क्वारंटीना कर लिया मगर इस वक्त तो हुकूमत की हकमत अमली क्या है मौजूदा तीसरी लहर चूंकि बहुत शिद्दत इख्तियार कर गई है और ऐसे में वैक्सीन के हवाले से उसकी कीमत के तय से मुताल और इन तमाम चीजों के साथ साथ एक कौम की हैसियत से हमारा रवैया क्या बड़े सवाल उठ रहे हैं मुल्क के वजे अजम इमरान खान साहब का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया बहुत सारे लोग उनसे मिले क्या खुद उन्होंने बदलान खान से दूसरों की तरह के इंसान है बीमारियों के शिकार हो जाते हैं हो सकते हैं कुछ चीजों में जो है ना माँच लाख आदमी है जिनको वैक्सीन लगी है इंडिया में चार करोड़ को लग चुकी है तीन करोड़ तीस लाख को अमेरिका में लग चुकी है बरतानिया में भी यही सूरत हाल आप इस इंतजार में बैठे हुए हैं कि मुफ्त की वैक्सीन आ गई जितनी आनी थी आ गई भाई जो नुकसान है वो बहुत ज्यादा है कि वैक्सीन भी लगवाई और जनाबे वाला कोरोना भी हो चाहिए खान साहब को यह था कि जल्दी लगवाते वजीर आजम लगवाते सदर लगवाते लानिया बोदराते यूनिवर्सिटियों के, लग के प्रिंसिपल लगवाते इसको एक मुहिम की शक्ल दी जाती है रवैया बैसी मजमू मुस्बत था कोशिश अच्छी की डॉक्टर सुल्तान के होते हुए हम अच्छी उम्मीद रखते हैं बल्कि वो जनरल अफजल तो यह कहते हैं कि ये क्या हम टेस्ट करने पे इतने पैसे जाया कर रहे हैं हर आदमी को पाबंद करें कोशिश करें कि वैक्सीन ने 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 वो दे हो। उसको अपना मास्क सैनिटाइजर और फिर वैक्सीन देखिए आपको वैक्सीन चीन ने काफी दे दी डब्ल्यू एच ओ की मई में आएगी वक्त लग जाएगा अब स्कूल बंद रेस्टोरेंट बंद और बहुत सी चीजें बंद तो छः बजे कारोबार बंद हफ्ता बंद स्मार्ट लॉकडाउन इस्लामाबाद कराची आज़ाद कश्मीर लाहौर में सिचुएशन शे में बड़े शहरों में भाई आप पचास लाख वैक्सीन तो लगा देते हैं बड़े शहरों में छोटे शहरों में मसला नहीं इंटरेक्शन बड़े शहरों में ज्यादा है तामल मेल जोल मुलाकात ज़्यादा है बसें हैं तकरीबा हैं हॉस्पिटल्स में लोग जाते हैं और कसम खाई हुई है इस इसको ने दो चीज़ों की एक तो कानून की कोई तकदीस नहीं और एक एहतियात और परहेज बिल्कुल नहीं करनी ये गुलामों का रवैया है बहुत ही अफसोसनाक खबर भी है जिसे मैं अपने प्रोग्राम का आगाज करना चाहूंगी और बहुत मुझे आज वैसे अफसोस हुआ कि जैसे ही वज़र अजम साहब की कोरोना वायरस का शिकार होने की खबर आई साथ ही कुछ लोगों ने बहुत ही गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए बिलखसूस डिजिटल मीडिया पर यह अफवाहें फैलानी शुरू कर दी कि अगर वजीरम साहब को कोविड की वैक्सीन लगवाने से फ़र्क ही नहीं पड़ा तो फिर हमें क्या ज़रूरत है कोरोना की वैक्सीन लगवाने का और हम नहीं लगवाएंगे सो इस हवाले से कोई भी बात करते हुए प्लीज़ बहुत जिम्मेदारी का मुजाहरा कीजिए क्योंकि आपका कोई भी

जो सूरत हाल थी उसके अंदर इमरान खान साहब को हमेशा देखते थे कि वो मास्क के बगैर नहीं है डिस्टेंस पे रहते थे कैबिनेट में मीटिंग्स में हर जगह पर बहुत दूर रहते थे लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर यह कि वजीर आजम पाकिस्तान को कोरोना पॉजिटिव हो गया है चंद रोज पहले उन्होंने वैक्सीन ली थी पहला डोज लिया था क्या वैक्सीन लगाने के बाद भी कोरोना ही कोरोना हो सकता है क्या वैक्सीन कोरोना होने से नहीं रोक सकती क्या वजीर आजम पाकिस्तान को पहले से ही कोरोना था वैक्सीन बाद में लगाई गई और ये तीसरी लहर जो पूरे सिस्टम को ले रही है कोई कह रहा है ब्राजील से आया था कोई कह रहा है बर्तानिया से आया था कोई कह रहा है कि भाई अमेरिका से आया था अफ्रीकन वायरस है ये वायरस कैसे मालूम होगा ये बर्तानिया का है ब्राजील का है अफ्रीका का है कैसे पता चलेगा या कैसे पता चला है और फिर हकूमत बहुत सारी पाबंदियां लगा रही है बहुत सारी एयरलाइन से मुतालिक पाबंदियां हो रही हैं शादी ब्याह के से मुतालिक पाबंदियां हो रही हैं और लगने जा रही हैं आहिस्ता आहिस्ता लगा कि स्कूल की छुट्टियों से मुतालिक भी दोबारा से बनाया जा रहा है क्योंकि अगर इमरान खान जैसी शख्सियत जो कि रोजाना जिम करते हैं रोजाना एक्सरसाइज करते हैं जो कि एक फिट तरीन इंसान अगर पाकिस्तान में काउंट किया जाए दस फिट तरीन लोगों का इमरान खान उसमें से हैं अगर उनको कोरोना पॉजिटिव हो सकता है तो फिर किसी को भी हो सकता है डॉक्टर अताउर रहमान साहब आपको आवाज आ रही है सर जी आ रही है मुझे डॉक्टर साहब इमरान खान साहब को कोविड कैसे हो सकता है इतनी इतनी ज्यादा एहतियात लोगों से ना मिलना लोगों से हाथ ना मिलाना सब कुछ के बावजूद वैक्सीन ले ली इमरान खान साहब को कोविड पॉजिटिव कैसे हो गया जी बात सब सबसे पहले बात समझने की है कि वैक्सीन उन्होंने अभी एक रोज पहले ली है तो आ, उस दौरान जो है आ, आपको यकीन आपको अटैक भी कर सकता है कोरोना वायरस और यही गाले हुआ है कि उनको हफ्ता भर पहले या चंद रोज पहले कोरोना वायरस से एक्सपोजर हुआ है और एक्सपोजर इस वजह से हुआ है कि ये बहुत ज्यादा मीटिंग्स में इमरान खान साहब जा रहे हैं रोजाना सुबह कहीं शाम कहीं बहुत सारे लोगों से मिल रहे हैं अच्छा डॉक्टर बालिक खान साहब आप बहुत मुताहरिक मुहिम चलाते रहे आपका आप हॉस्पिटल को क्या स्टेप्स लेने चाहिए स्कूलों से मुताल होटल से मुताल शादी हॉल से मुताल यह तीसरी लहर कितनी खतरनाक है नाइन पॉइंट फोर परसेंट पॉजिटिव रेशियो है पाकिस्तान में इस आ, मेरे ख्याल में जो हमने पहली वेव में जिस किस्म की स्ट्रिक लॉकडाउन की तरफ गए थे उसी किस्म की लेनी पड़ेगी अच्छा। अब ये मैं ना ये जो ये वायरस जो है आपका जो है ना ये यूके वेरिएंट है